दोस्तों, मेरा नाम है एपुर और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों बुलेट 350 BS6 फोर्थ सर्विस के बारे में। तो देख सकते हैं आप लोग, फोर्थ सर्विस हो चुकी है गाड़ी की और जस्ट अभी सुबह ही करवा के लेके आए हैं। और देख सकते हैं कितना किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 10,013 किलोमीटर पर अपनी फोर्थ सर्विस हुई है इसकी। और बाकी आपने पूरा देख लिया क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस हुई हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, कितना क्या खर्चा आया, वो सारी बात करेंगे इस पूरे इस वीडियो में। और 10,000 किलोमीटर यानी फोर्थ सर्विस तक, डेढ़ साल इसको हो चुका है गाड़ी को, तो डेढ़ साल तक में इसमें कितना क्या खर्चा आया, कौन कौन से पार्ट इसमें घिसे, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे दोस्तों इसमें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर चेन की बात करें तो चेन आप लोग देख सकते हैं जस्ट ल्यूब एंड क्लीन हुई है, अभी तक कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है कि अभी तक अपन ने चेन इसकी चेंज करवाई हो। इसको टाइम टू टाइम अपन बस ल्यूब करो और उसमें कोई भी दिक्कत आपको इशू नहीं आने वाला है इसमें। तो नेक्स्ट चीज़ इसकी रहने वाली है दोस्तों इसके ब्रेक पैड्स, जो इसके डिस्क ब्रेक के ब्रेक पैड्स हैं जो फ्रंट वाले, वो भी आपके पैड्स अभी तक इसके घिसे नहीं हैं, बस इसके क्लीन हुए हैं, सफाई होकर के वापस से इसमें फिटिंग हुई है। 10,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और डिस्क की हालत भी आप लोग इसमें देख सकते हैं, अभी तक इसमें ये डिस्क वगैरह भी कुछ भी चेंज नहीं हुई है दोस्तों। वारंटी में एक बार हॉर्न चेंज हुआ था, एक वो चीज़ है। प्लस ये वाला मिरर आप लोग देख सकते हैं जो साइड मिरर है, ये बिल्कुल इसका ढीला हो चुका था, तो ये अपन ने वारंटी में चेंज करवा लिया है। देख सकते हैं एकदम न्यू लगा दिया है, ये एकदम पूरा लूज़ हो गया था, कोई काम का ही नहीं था, मतलब हवा चलती है और ये पूरा का पूरा पीछे की तरफ आ जाता था, और ये वाला तो टाइट था अपना। तो अब दोनों के दोनों टाइट हो चुके हैं, अब आपको विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, तो एक ही चीज़ रहने वाली है। प्लस ये हज़ार लाइट का स्विच है, ये अभी तक जब से अपन ने गाड़ी ली थी जब तक चल ही रहा है, अभी तक इसमें कोई इशू नहीं आया दोस्तों। चारों इंडिकेटर एक साथ इसमें वर्क करते हैं। और स्विचेस वगैरह की अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो स्विचेस वगैरह में भी कोई भी आपको खर्चा एज इट इज़ नहीं आया है। मेन चीज़ बात करते हैं इसके इंजन ऑयल वगैरह की, तो इंजन ऑयल इसमें चेंज होता है, इंजन ऑयल अपन ने चेंज करवाया है, ऑयल फिल्टर यहाँ पर रहता है अपना, ऑयल फिल्टर भी अपन ने इसमें चेंज करवा लिया था। तो ये दो चीज़ें अपनी चेंज होती हैं टाइम टू टाइम, हर 5,000 किलोमीटर पे, 5,000 किलोमीटर या 6 महीने आपके जैसे भी होते हैं वैसे ये चेंजेज होती हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद में फिर ऑक्सीजन सेंसर वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। एक ही चीज़ देख सकते हैं आप लोग, बैंड पाइप पीला जरूर पड़ता है क्योंकि यहाँ फिल्टर दिया हुआ है इसका, कैटलिक कन्वर्टर पास में ही दे दिया गया है, तो इसको जगह नहीं मिलती तो ये पीला जरूर पड़ता है। एक ही चीज़ रहने वाली, ये वारंटी में कवर भी नहीं होती क्योंकि हर एक चीज़ के साथ में या हर एक गाड़ी के साथ में प्रॉब्लम है इसमें, तो इसमें कुछ भी हो नहीं सकता है। प्लस अपन ने ये इंदौरी साइलेंसर लगा हुआ है, फिल्टर वाला है, तो इसमें भी कोई भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका साउंड भी आपको सुना दूंगा मैं, और पहले की वीडियोस नहीं देखी है, पहले की सर्विस की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं, वीडियोस वगैरह ईबीएस टेस्ट वगैरह सब कुछ अपन ने किया हुआ शर्मा जी ब्लॉग्स पर। देन अपन ने पहले ही हटा दिया था, अभी वापस लगा दिया है, तो रिमूव कर सकते हैं। सीट कवर अपन ने अलग से लगाया हुआ है, ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये सीट है ओरिजिनल है, ये सीट कवर कहाँ से लिया है, काफ़ी पसंद आता है उनको, तो ये भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा सीट कवर दिया हुआ है और काफ़ी चीप ही है, ये तो लोकल मार्केट से ही लिया हुआ, ऑनलाइन नहीं लिया हुआ, तो 150-200 रुपए में आपको मिल जाता है ये सीट कवर। और उसके बाद में फिर आपकी बात करते हैं पीछे वाले टायर्स की, तो 10,000 किलोमीटर में टायर्स वगैरह दे सकते हैं, कंडीशन वगैरह अभी ठीक ठाक पड़े हुए हैं, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। 50% से भी ज़्यादा माल है इसमें, अराउंड इसमें 70% के आसपास इसमें अभी भी माल बचा हुआ है, तो उसमें ऐसा कुछ इशू आया नहीं है कि टायर हुआ। और जो इसकी पीछे वाली रिम देख सकते हैं आप लोग, इसमें बैंड निकला है, और रिम जो स्पोक होती हैं अपनी उसमें एक या दो स्पोक इसमें टूटी हुई थी, तो वो भी इसमें डली हैं, रिपेयर हुई हैं, तो एक चीज़ अच्छी है स्पोक्स का काफ़ी ज़्यादा है इसमें। पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों कि ये रिपेयरेबल होती हैं, और बैंड वगैरह अगर आता है तेज गड्ढे में अपन अगर कुदा भी दी तो ये रिपेयरेबल हो जाती हैं, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं होती है। अच्छे खासी इसमें 170 रुपये में ये स्पोक भी डल गई और बैंड भी निकल गया, 170 रुपीज़ में आपके दोनों काम इसमें हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में जो 900 रुपये करीब का जो ऑयल आता है वो आता ही है, ऑयल फिल्टर जो अपना रहता है वो उसका अलग चार्जेस रहता ही है 5,500 रुपये, एंड चेन ल्यूब वगैरह का वो अलग चार्जेस रहता है अगर आप करवाते हैं तो, नहीं तो आप इसमें रॉयल फिन का एसेंशियल मैंने खरीद लिया, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं किस तरह से आपको चेन ल्यूब करना है, वो आप लोग खरीद सकते हैं। 185 रुपये का मैंने रॉयल फिन का ओरिजिनल चेन ल्यूब क्लीनर आता है, तो चेन ल्यूब ले उसको किस तरह से आपको क्लीन करनी है वो बता देता हूँ, आराम से आपका 185 में 4 से 5 बार कवर कर देगा ये, तो उसमें भी आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो इसके डस्ट वगैरह सारी तो क्लीन हो चुकी है, उनने सर्विसिंग पे टाइम पे वॉशिंग वगैरह कर दी है, इंजन ऑयल चेंज कर दिया है, दोनों डिस्क ब्रेक इसमें साफ करे हैं, पीछे वाला जो ड्रम है वो भी आपका इसमें क्लीन हुआ हुआ है, पीछे वाला ड्रम भी आपका इसमें एक बार भी चेंज नहीं हुआ है, 10,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, तो कुल मिला के खर्चा अभी तक कुछ भी नहीं आया एज इट इज़, कोई मेजर खर्चा जो आना वाला है वो एज इट इज़ कुछ कुछ भी नहीं आया इसमें। एंड अगर बात करें इसके एयर फिल्टर की दोस्तों, तो एयर फिल्टर भी इसमें अभी तक ओरिजिनल ही डल रहा है, उसको भी क्लीन करके डाल दिया अभी उन्होंने, कहा अभी चलेगा, तो नेक्स्ट सर्विस पे जो इसका एयर फिल्टर अपन चेंज करेंगे दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें बात रहने वाली हैं। प्लस आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ किस तरह से क्या है, डेढ़ साल में 10,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, और कंडीशन दिखा देता हूँ,
फ्रंट टायर वगैरह की भी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, कोई भी घिसावट वगैरह कुछ नहीं है, कोई इशू वगैरह आया हो, अगर आया भी है तो वारंटी में ही दो चीज़ें चेंज हुई हैं, एक साइड मिरर और एक हॉर्न, इन दोनों में दिक्कत थी। हॉर्न का तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था वारंटी का, तो आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं अगर आपके वैसे कुछ इशू आ रहा है तो। फ्यूल टैंक वगैरह में कोई इशू नहीं है, ये ज़रूर जाम हो जाता है, फ्यूल टैंक का लॉक वगैरह है इसका जो, तो इसमें आप क्लीनर वगैरह डालते रहिए जो इसका आता है, तो इससे सही रहता है। दो तीन बार ये ज़रूर जाम हो गया था, उसमें क्लीनर डाला तो आप जाके फिर भी ये सही वर्क कर रहा है। और बाकी बात पूरी हो ही चुकी है दोस्तों, EFI से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत से लोग भाई लोग कमेंट करते हैं कि BS6 में काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत आती है, कार्बोरेटर सही था, तो ऐसा कुछ इशू आने वाला नहीं है इसमें। EFI वाली गाड़ी देख सकते हैं आप लोग इसमें, तो ऐसा कुछ इशू इसमें अभी तक आया नहीं कि मैंने एक बार भी इसमें EFI से रिलेटेड कोई भी इशू दिखाया हो कंपनी में। एज इट इज़ कोई इशू नहीं आया है, कार्बोरेटर में से तो काफ़ी लाख जुना ज़्यादा अच्छी है, बस इसमें अगर आपको मॉडिफाइड करना है जैसे कि रेस कम ज़्यादा करनी है और वो सब करनी, वो सब नहीं कर सकते आप, तो उसमें आपको दिक्कत ज़रूर हो सकती है, तो ये सब सारी चीज़ें मत करना है इसमें ट्राई बिल्कुल भी। सिंगल स्पार्क प्लग कर दिया है अब यहाँ पे, पहले ट्यून स्पार्क प्लग आता था, दो स्पार्क प्लग आते थे इसमें दोस्तों। और ये वाला इंजन अब बंद भी होने वाला है दोस्तों, उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं, तो उसकी पूरी आपको जानकारी मैं उसमें दूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन बुलेट आने वाली और ये वाली बंद होने वाली, तो ये वाला इंजन ही बंद हो जाएगा। जिसको ख़रीदनी बहुत ही जल्दी ख़रीद लो भैया, दो तीन महीने के अंदर अंदर, और क्योंकि वो वाली आपका और वो बुलेट वाला फील आपको फिर आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर ये वाला इंजन बंद हो गया तो उसके बाद में तो बुलेट का खेल खत्म है, मतलब वो क्लासिक नहीं वाली क्लासिक और मीटियोर की तरह हो जाएगी, ये चीज़ रहने वाली है दोस्तों। अगर इसके फोर्ड सर्विस की सर्विस कॉस्ट की अगर बात करें तो 1200 से 1500 के बीच में आपको पड़ने वाली है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पड़ने वाली है, तो 1500 से आप आज तक मेरे को ज़्यादा इसमें सर्विस कॉस्ट नहीं लगी है बिल्कुल भी, और ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं दोस्तों, तो काफ़ी चीप है, मतलब 350 cc के हिसाब से तो काफ़ी चीप रहने वाली है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है दोस्तों। ओवरऑल सारी बात हो चुकी है, इसके फोर्थ सर्विस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मैंने मतलब आपको बता दी, क्या क्या दिक्कत आई है इसमें अभी तक, क्या क्या नहीं आई है। 10,000 किलोमीटर डेढ़ साल में 10,000 किलोमीटर में जो चली है, और वो जो अपन ने फोर्थ सर्विस कराई है उससे रिलेटेड लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो एज सच को भी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको पूरी की पूरी शेयर कर दी, और जो सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ी थी वो भी आपको मैंने पूरी शेयर करी है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है अब इसकी साउंड की, तो साउंड भी आपको एटलीस्ट साउंड सुना देते हैं लास्ट में, देख सकते हैं किक भी आपको आसानी से पड़ जाएगा, या उसका साउंड सुन लीजिए आप। तो देख सकते हैं दोस्तों साउंड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इसका इंदौरी साइलेंसर में, और स्टॉक रखना हो तो आपको स्टॉक भी रख सकते हैं आसानी से, आप घर पे देख सकते हैं, और उसका वीडियो मैंने डाला हुआ तो जा करके वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें अगर नए हैं चैनल पर विजिट कराया तो आपने। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है शर्मा जी ब्लॉग्स को। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।